हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 2 HP का रोटोसोल का पंप चल रहा है और नया लगा है, बिल्कुल नया ही इंस्टॉल हुआ। देख रहे हैं पेटी पैक खोला है ये। अब देख रहे हैं दोस्तों इसका परफॉर्मेंस कितना कितना पानी ये दे रहा है, 2.5 इंची। और दूसरा पंप ये चल रहा है, इसके मुँह पर देखिए कितना ज़बरदस्त प्रेशर आ रहा है दोस्तों। तो इन दोनों में पानी का अंतर क्यों है, आप वीडियो पूरी देखें दोस्तों, डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा, A to Z बताऊंगा, प्रोसेस आप खुद देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे क्या भैया इतना अंतर इसमें पानी के प्रेशर में क्यों आ रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला पंप चल रहा है ये यहाँ पर सोलर पैनल की ट्रॉली बनी हुई है। ये देखिए 540 वाट का एक सोलर पैनल है मोनो पर्क हाफ कट में, और ये 9 पैनल हैं यहाँ पर लगे हुए, और ये ट्रॉली सिस्टम इसका बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अभी जो चल रहे हैं मात्र 4 पैनल चल रहे हैं, क्योंकि रोटोसोल के पंप की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 25 एम्पियर और 60 से 70 वोल्ट होती है दोस्तों। तो दो दो पैनल की सीरीज बनाई है, जब 540 वाट का एक पैनल है तो यहाँ पे मात्र 4 पैनल ही जोड़े गए हैं। अब यहाँ से जो बायर है, देखिए ये बायर यहाँ से जा रहा है पंप में, और जो दोस्तों पंप की जो दूरी है, ये देखिए वायर लगा हुआ है यहाँ पर, DC करंट वाला वायर है। अब यहाँ से जो उसकी पंप की दूरी है, वो जो दूरी है लगभग 50 से 60 मीटर है, 60-70 मीटर के करीब है। और अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ पंप के पास ही। दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे पानी कम क्यों दे रहा है, क्या रीज़न है। और हालांकि जैसा कि मैंने बताया कई बार कि ये जो रोटोसोल का पंप है ये कंट्रोलर के साथ भी चलता है और बिना कंट्रोलर भी चलता है। कंट्रोलर के साथ अगर आप इसको चलाते हो तो आपका पंप सेफ्टी के साथ चलता है, जैसे ओवर करंट हो जाए, पानी छोड़ जाए, या करंट फ्लक्चुएट होता है, अप डाउन होता है, या अचानक से बादल आ जाते हैं एकदम से, तो उस केस में क्या है कि पंप आराम से चलता है और आराम से स्टार्ट होता है, तो कोई पे नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों ये इसका कंट्रोलर है, अभी कंट्रोलर में कुछ मिस्टेक है टेक्निकल, जिसकी वजह से अभी ये शो नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाद में दिखाऊंगा इसका, ये मैं इसको ठीक करेंगे अभी क्या है। तो अभी वायर लगाया हुआ है, डिस्प्ले में इसमें नहीं आ रहा। और ये देखिए यहाँ से दोस्तों इसका बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं, और इसके बाद देखिए पंप चल रहा है। इसमें अभी कितने एम्पियर आ रहे हैं, कितना करंट ये चल रहा है, देखिए दोस्तों 2.5 इंची का पाइप है इसके ऊपर पूरा, ये 4 इंची का बोरिंग है यहाँ पर, नया पेटी पैक खोला है रोटोसोल का 2 HP का पंप। देखिए जो एम्पियर आ रहे हैं करीब 20 एम्पियर आ रहे हैं दोस्तों। मैंने जैसा कि बताया कि दो दो पैनल की सीरीज बनाई है, 540 वाट का एक पैनल है, करीब 10 एम्पियर एक पैनल की सीरीज हमारी निकाली, तो टोटल 20 एम्पियर हो गए। लेकिन अभी जो कंट्रोलर है देखिए ये ऑफ आ रहा है। अब इसमें इसका कुछ हमने सेटअप चेंज किया है, तो देखिए अभी स्टार्ट। अब देखिए दोस्तों इसमें जो एम्पियर शो हो रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कितने हो रहे हैं। ये लगभग इसमें 17-18 एम्पियर अभी आ रहे हैं, यानी हमारे जो पंप चल रहा है वो 17 या 18 एम्पियर यहाँ पर ये लेकर के चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो कि जैसे ही देखिए 17 एम्पियर आ रहे हैं, और बोल्ट जो आ रहे हैं जैसा कि मैं बताया कि 60 से 70 वोल्ट के बीच लेकर के चलता है ऑन लोड, जब लोड पर चलता है। जब आप इसको फ्री चलाते हैं या बंद रखते हैं तो इसमें 80 से +V ये सोता है, जब ऑन लोड होती है हमारी जो बोल्ट होते हैं वो कम हो जाते। देखिए 17 एम्पियर आ रहे हैं, तो दोस्तों इसको जो ज़रूरत है टोटल वो 25 एम्पियर तक है मैक्सिमम। और जैसा कि दोपहर के टाइम की ये वीडियो बनी हुई है, उस समय जो हमारी जो मीटर है उसमें तो 19-20 एम्पियर शो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो हमारा पंप चल रहा है, देखिए आ कितने रहे हैं वहाँ से, अभी बताया कि 20 एम्पियर जैसा कि मीटर में आपने देखा। और ये जो कंट्रोलर में आपको दिख रहे हैं, यानी ये यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा जो पंप है वो कितने एम्पियर लेकर के चल रहा है, तो लिख रहा है 17 एम्पियर। तो ये एम्पियर दोस्तों अगर आपके कंट्रोलर में 24-25 तक शो होते हैं, यानी 20+ होने चाहिए, 22-23-25 तक, तब ये इसका पूरा परफॉर्मेंस आता है। देखिए पानी ठीक दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 इंची है प्रेशर है, लेकिन कोई खास इतना प्रेशर इसमें नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पर प्रेशर बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो अब आप इसमें एक सीरीज और जोड़ें, तो एक सीरीज और जोड़ेंगे तो 30 एम्पियर हो जाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि पंप को आपके थोड़ा बहुत इसका रिस्क हो जाएगा कि कंट्रोलर या तो आपका ओवर करंट की वजह से बंद हो सकता है, या हीट हो सकता है, या भाई कोई दिक्कत भी आ सकती है इसमें। दूसरी चीज़ जैसा कि मैंने बताया कि इसको मैक्सिमम 25 एम्पियर चाहिए, तो 25 एम्पियर के केस में दोस्तों क्या था कि हम 300 वाट के जो हमारे पैनल होते हैं 300 से 350 वाट तक, वो वाले अगर हम इसके ऊपर 6 पैनल लगाते हैं तो उससे बहुत ही शानदार चलता है, वोल्ट भी और एम्पियर पूरे हो जाते हैं। जैसा कि इन्होंने यहाँ पर 540 वाट के 4 लगाए हैं, तो 2000 वाट लगभग 2200 वाट के आसपास पावर हो गई, 2150-2200। अगर उसी की जगह 300 के 6 लगा देते तो दोस्तों पानी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था। दूसरी चीज़, इन्होंने जो
को इतना लंबा लगाया है कि बहुत ज़्यादा। मैंने इनको बोला है कि भैया आपने दूरी ज़्यादा कर रखी है, आप जो ट्रॉली है उसको पास में खड़ा कीजिए, मैक्सिमम दूरी 10 से 15 मीटर होनी चाहिए, तो आपका जो पंप एकदम शानदार चलेगा और बहुत शानदार ये पानी देगा और फिर एम्पियर भी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। और जो वायर है वो भी मिनिमम 4 mm का होना चाहिए, इन्होंने कम का लगाया है। अब देखिए दोस्तों, यहीं पर ये दूसरा पंप चल रहा है रोटोसोल का सेम, ये बिना कंट्रोलर चल रहा है। इसमें जैसा कि मैंने बताया कि पहला जो पंप चल रहा है आपने देखा कंट्रोलर के साथ चल रहा है, और ये बिना किसी कंट्रोलर के चल रहा है। इसका सेम वही पाइप मुंह पर लगा हुआ है, इसका प्रेशर देखिए कितना ज़बरदस्त है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ दोस्तों, देखिए वाटर लेवल एक अलग मैटर होता है, जैसा कि मैंने बताया वो सारा चीज़ तो उस खेल उसी का है कि वाटर लेवल जहाँ दोनों जगह देख रहा है, जहाँ पर ये चल रहा है यहाँ पर जो लगभग 15 फीट के अराउंड है, और जो दूसरा आपने अभी शुरू में देखा वहाँ पर जो है लगभग 18 से 20 फीट के अराउंड, यानी 15 फीट प्लस में है। वहाँ पर जो प्रेशर आ रहा है 2.5 इंची का पाइप है, और सेम देखिए वो भी यहीं पर भी इतना है इसके ऊपर लगवा। लेकिन अंतर दोस्तों क्या है वो मैं बता देता हूँ, किस कारण से पानी घट रहा है या किस कारण से ज़्यादा कम पानी है दे रहे हैं दोस्तों। ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए इसमें साधारण ये MCB लगी हुई है जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ पर जो वायर है वो 4 mm का यूज हुआ है DC करंट वाला, और इसकी जो सोलर पैनल की दूरी है यहाँ पर मुझे जैसा कि मैंने बताया 10 से 15 मीटर रखनी है, तो हार्डली 12 से 15 मीटर दूरी इसकी है। तो यही चीज़ मैंने उन भाई को बताई जिन्होंने लगाया था। देखिए दोस्तों ये रहा, ये इसी ट्रैक्टर के पीछे कैरी करते हैं, इसकी ट्रॉली है 6 पैनल की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो सब्सिडी के माध्यम से मिलता है उसको इन्होंने ट्रॉली सिस्टम में कन्वर्ट करा दिया, स्ट्रक्चर को एज इट इज उठा के इन्होंने इसके सेट के ऊपर, ये आप देख रहे हैं खुद ही दोस्तों, यहाँ पर जो दूरी है वो हार्डली 15 मीटर है, और जो पहले पंप के बीच में दूरी है वो कितनी है 60 से 70 मीटर। तो मैंने उनको बताया कि उन्होंने मुझे पूछा कि भैया कैसे हमारा पानी बढ़ सकता है प्रेशर, मैंने बोला सारी चीज़ें आपकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोलर में जो मिस्टेक है आप उसको ठीक करा लीजिए, अगर हो सकता है अभी तो रिप्लेस हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो दोस्तों मेन है वो भैया कि दूरी कितनी है, देखिए यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि हार्डली 15 मीटर भी दूरी नहीं है, तो कितना शानदार प्रेशर आ रहा है, क्योंकि DC करंट को हम जितना ज़्यादा दूर तक लेकर जाते हैं उतना दोस्तों उसमें करंट लॉस होता है, AC करंट को लेकर जाते हैं तो उसमें करंट इतना लॉस नहीं होता। DC के मुकाबले AC में जो लॉस होता है मुश्किल से 5% होता है, और जबकि DC में अगर 100% होगा तो उसमें मात्र 5% होगा, तो इसलिए DC करंट को हम कोशिश करें कि दूरी जितनी कम हो उतनी रखें। तो पहले पंप के साथ यही है कि उन्होंने एक तो वायर जो है वो 4 mm से कम का लगा रखा है, चलो वायर का देखा जाए लेकिन दूरी उन्होंने ज़्यादा बढ़ रखी है। अब पैनल उनके ज़्यादा बढ़े हैं, अगर वो 6 पैनल लगाते हैं तो लगभग 3 kW के करीब पावर हो जाएगी, 4 लगाते हैं तो 2 kW हो रही, लेकिन एम्पियर पंप को पूरे नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि एक सीरीज 10 एम्पियर, जबकि मैक्सिमम कितने चाहिए 25 एम्पियर चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, देखिए यहाँ पर ये सीरीज बनाई हुई है जैसा कि मैंने बताया, और कितना शानदार यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों अगर इस प्रकार की समस्या आपके साथ भी हो तो मेरा नंबर है 83 68 53 39 70, इस पर कॉल करके अगर आपको ये पंप चाहिए या कोई भी पंप चाहिए तो मुझसे जानकारी ले सकते हैं कीमत के बारे में, या कोई और आपकी समस्या हो जैसा कि मैंने बताया पानी कम दे रहा है, या जैसे कि इन्होंने पूछा उसके विषय में जानकारी लें। लेकिन भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।